हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों, आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेगा तो इसको जरूर अप्लाई करिए। तो चलते हैं दोस्तों इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, वहाँ पे मैं सारे जानकारी दे दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों, अगर तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन का ई बुक बना के रखा हूँ, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, रेलवे के लिए करेंट अफेयर्स, वो सारे ई बुक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइजेस, एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। जो ज्वाइनिंग होगा आपकी हैदराबाद में होगा, ECIL पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा पोस्ट मिल रहा है, 200 का करीब पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर का भर्ती है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर JTO। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा लास्ट में दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। इसका सैलरी जो रहेगा वहाँ पे 20,000 करीब आपकी सैलरी मिलने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे 101 पोस्ट है जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 54 पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है 200 पोस्ट के लिए, ये ओनली प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में ज्वाइन करना चाहती हो तो इसको अप्लाई कर सकती हो। और दोस्तों, उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस के तौर में ये 6 मंथ का गिना जाएगा, और इसका जो ज्वाइनिंग होगा ओनली फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए ये ज्वाइनिंग होगा। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 40% मार्क होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, आपकी जो मार्क रखा है बीटेक या एमटेक में उसी से ही आपकी यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, एज लिमिट जो है यहाँ पे देख सकते हो, 30 ईयर तक एज मैक्सिमम एज है, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर रखा गया है, 30 सितंबर तक इसको अप्लाई करिए। इसका अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उधर से आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइजेस, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है, इसको क्लिक करोगी तो इसको अप्लाई कर सकती हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।